नमस्कार दोस्तों दोस्तों PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग GS फर्स्ट के पेपर के बारे में कुछ चीज़ें बात करेंगे। और दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं जो भी मेरी दिसंबर 2018 से अभी तक की मेहनत थी, ठीक है। और GS फर्स्ट पेपर का मैंने अभी तक, ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड नहीं किए थे। मैंने जो क्वेश्चन आंसर कराए थे, टेस्ट सीरीज कराई थी, उसके आधार पर सारी चीज़ें चली थी, ठीक है। आपको मतलब अगर प्रूफ देखना है, ठीक है, इत्मीनान से अच्छे से सारी चीज़ों को देखिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं किस तरीके से आई, नहीं आई, क्या हुआ, और 20 में से ध्यान रखिएगा 16 प्रश्न देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से आए हैं, ठीक है, इन चीज़ों को देखिए। और सबसे पहली बात तो सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग भी पेड ग्रुप से, लगभग 125 लोग इस बार मेंस दिए हैं, ठीक है, और सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा बिना चेहरा देखे और सारी चीज़ों के उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतर सका, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने अपनी तरफ से दोस्तों सारा कार्य किया है और अच्छे से किया था जितना भी हो सका। GS के दो पेपर फर्स्ट और सेकंड के मैं नोट्स नहीं दे पाया था। सेकंड पेपर की जहाँ तक बात करते हैं तो सेकंड पेपर में भी 13 से 14 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, जो कि टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ों में मैंने वो प्रश्न दिए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ज़रूर वो आपको फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। तो जी ये सेकेंड पेपर का वीडियो बाद में आएगा, लेकिन आज हम लोग केवल फर्स्ट पेपर की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रूफ देखेंगे। प्रूफ जो कि मेरे पास कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, जो भी हैं, मैंने जहाँ जहाँ से मिला है मैंने उसको आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे जो GS का ग्रुप था अभी तक, ठीक है, तो अभी तो कुछ दिन चलेगा ही क्योंकि GS फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और अब जो होगा, ठीक है, अब जो 2019 का जो PCS का मेंस का जो ग्रुप स्टार्ट होगा तो बाद में स्टार्ट होगा और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किस तरीके से, लेकिन आप लोगों को देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि किस तरीके से जो ग्रुप के मेंबर थे और YouTube पर जो चीज़ें फ्री में दी गई थी उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न ही है आप लोगों का GS के फर्स्ट पेपर में जिन लोगों ने मेंस दिया है, ये मेंस के उसी की कटिंग है। एक एक प्रश्न करके मैं एक एक प्रश्न का ब्यौरा दूंगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न का ब्यौरा दूंगा, 16 प्रश्न का ब्यौरा मैं दूंगा, ठीक है, क्योंकि 16 प्रश्न ही मैंने देखा, सारी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। तो यह जो सबसे पहला प्रश्न किस तरीके से आया है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, यह कहां पर किस तरीके से पूछा गया है। देखिए जो फुल टेस्ट हुआ था, जो ग्रुप मेंबर हैं, जो भी पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं और किसी, ये सभी के पास में होगा, ऐसा नहीं है कि यह मैंने कहीं और से बना के ला रहा हूं, नहीं, जितने लोग भी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप लोग देखिए इन चीज़ों को कि ये चीज़ें हैं आपके पास में या नहीं है, ठीक है। तो फुल टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, फुल टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब देखिए 5 क्या था, ये है आपका पेज, ये है पूरा का पूरा, मैंने ऐसे ही खींचा है। देखिए फुल टेस्ट 7 और पेपर फर्स्ट का कुल 20 प्रश्न होते थे उस समय फुल टेस्ट में, ठीक है। पहले 5 प्रश्न की श्रृंखला चली थी, फिर 10 प्रश्न की श्रृंखला चली थी, वो अलग है, यह फुल टेस्ट था 20 प्रश्न का, ठीक है। तो इसमें देखिए यह प्रश्न साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए शब्द बदले हुए होंगे, भावार्थ जो होगा, अर्थ जो होगा सेम है, ये आप अच्छी तरीके से मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे, ठीक।
ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रश्न ही है जो कि मैंने टेस्ट सीरीज में दिया होगा। अब जो भी व्यक्ति इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे, अच्छे से कार्य किए होंगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज दिए होंगे, और यह कार्य ऐसा नहीं है मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, ये केवल टेस्ट सीरीज की चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज जो है मैं अपने आप से जो भी चीज़ें जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं बनाता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि टॉपिक वाइज होनी चाहिए ना, मैंने सोचा टॉपिक वाइज ना होकर पेपर वाइज रहेंगे, ठीक है। और जो पेपर वाइज होती तो उसमें फ़ायदा रहता है लोगों का, ठीक है। पेपर वाइज में आप जो भी अच्छे प्रश्न होंगे अगर टॉपिक वाइज कर देंगे टेस्ट सीरीज या किसी चीज़ों को तो फिर अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था, ध्यान रखिएगा पहला प्रश्न जो है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। आपको तर्कों के आधार पर बताना था कि जो भारतीय राजनीति है उसमें महात्मा गांधी किस तरीके से कौन कौन सी बातें कही हैं उन्होंने। देखिए ध्यान रखिएगा YouTube पर तीसरा नंबर प्रश्न है, YouTube पर ये फ्री प्रश्न दिए जाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है ये चीज़ें फ्री में दी गई हैं आप लोगों को YouTube चैनल में, आप टेलीग्राम पर ध्यान रखिएगा टेलीग्राम पर मैंने फ्री में दिया है। तो टेलीग्राम का चैनल खोलकर उसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद उसको बैकडेट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्या चीज़ मिलेगी आपको, ये चीज़ मिलेगी। देखिए यह मैंने प्रश्न कराया है और GS फर्स्ट पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। इसमें गांधी जी के विचारों को मैंने जो भी चीज़ें थी कि जैसे गांधी जी के विचार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आपको राजनीतिक पक्ष बताना था, ध्यान रखिएगा राजनीतिक पक्ष इनका क्या था गांधी जी का, तो वो बताना था। अब अगर जैसे वहाँ पर आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आप आराम से लिख लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोलता चला रहा हूँ कि अगर कीवर्ड आपके पास में होंगे मेंस में आंसर राइटिंग करने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने प्रश्न कराया था, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो भी प्रश्न था, ठीक है। अब देखिए यह आपका चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा चौथा नंबर प्रश्न है GS फर्स्ट पेपर का। सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, कहने का मतलब यह है कि जो सांप्रदायिकता है वो धार्मिक कट्टरता के आधार पर बढ़ाई जाती है, ठीक है। असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, तो निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है, मतलब निहित स्वार्थ होते हैं उन्हीं के कारण ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि सांप्रदायिकता जो सांप्रदायिक हिंसा जो है वो धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, भड़काई जाती है, प्रोत्साहन असामाजिक तत्वों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब इसको आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन को बांटकर लिखना था, लेकिन अगर आपको सांप्रदायिकता धार्मिक कट्टरता के बीच में अगर संबंध नहीं पता था, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते थे इसको। तो हम लोगों ने पेड ग्रुप में, ध्यान रखिएगा पेड ग्रुप वाले प्रश्न में 219 नंबर प्रश्न था, ठीक है। अब देखिए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं क्या है, मैंने कराया है इस प्रश्न को, और अगर ये आपने प्रश्न तैयार किया होगा तो आप वहाँ इजीली चीज़ों को अच्छे से कर ले जाएंगे। अप्लाइड पोर्शन है, अप्लाइड क्वेश्चन दिया गया है, ये भी है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो गई, धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य विभेद कीजिए। तो अब आपको दोनों चीज़ें पता हैं, इसको कौन पॉलिटिशियन ले जाते हैं, असामाजिक तत्व ले जाते हैं, ऐसे बताते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना था, ठीक है। इस आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो आप अच्छे से आगे कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। अब यह है भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो इवेल्युएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वेमेन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें यह जो प्रश्न है YouTube पर मैंने 63 नंबर प्रश्न दिया है, उसको आप देख सकते हैं। उस प्रश्न को भी मैं दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या है, ठीक है। ये देखिए 62, 63। तो अब देखिए महिलाओं की परिस्थिति कैसे बदल रही है, कौन से दो जीवन हैं। देखिए महिलाओं की समस्याएं कहाँ कहाँ पर होती हैं कि उसकी उनका स्टेटस जो है कहाँ पर परिवर्तित होता है, तो एक निजी जीवन में, एक सार्वजनिक स्थलों पर, ठीक है। तो
इस इन चीज़ों के आधार पर आप महिलाओं की स्थिति का आकलन आसानी से कर सकते थे, अगर इतने पॉइंट्स आपको पता होंगे तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के आधार पर कोई भी चीज़ें या अंदाजा मत लगाइएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। अब देखिए, फुल टेस्ट जो हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। अब वो कहाँ पर है ये देखिए, प्रूफ के साथ में। ठीक है, देखिए यह आपका जो फुल टेस्ट था, ठीक है, फुल टेस्ट सेवन जो था उसका 19वां नंबर था। ठीक है, तो ये देखिए, शहरीकरण की समस्याओं को बताते हुए उसके निराकरण हेतु उपाय बताइए। अब जिस भी व्यक्ति ने अगर टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट करी होगी तो वहाँ पर लिखने में उसको आसानी रही होगी। ठीक है, ईजिली लिख ले जाएगा। कहने का मतलब यही है, अगर आप टेस्ट सीरीज और दोनों चीज़ें अच्छे से करते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो ये आपका सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन, ये लाइन टू लाइन आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और क्या है, और दोस्तों अब आगे देखते हैं कहाँ पर है अगला प्रश्न। है अगला प्रश्न, देखिए मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे फुल टेस्ट सीरीज में 5वां नंबर, फुल टेस्ट सीरीज 5 थी। ठीक है, जो फुल टेस्ट सीरीज मैंने कराई थी, 5वीं टेस्ट सीरीज में 11वां नंबर प्रश्न था और पेड ग्रुप में मैंने 365 नंबर प्रश्न पर ये चीज़ें कराई हैं। तो जो लोग भी अगर उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके गए होंगे तो वहाँ पर ज़रूर अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रूफ कहाँ पर यह चीज़ें हैं। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज में यह प्रश्न साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों को, संसाधनों के वितरण को समझाते हुए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो प्रश्न यही तक पूछ लिया गया है। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से 200 शब्दों में लिखना था, ठीक है, तो आप 125 शब्दों में या कितने शब्दों में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो प्रश्न है वो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से और जो क्वेश्चन कराए गए थे उनसे आए हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने ग्रुप में कराई हैं और अभी भी कोर्स नहीं पूरा है। ठीक है, अब ये देखिए प्रश्न है, ये चीज़ें मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में पेड ग्रुप में कराई थी, करंट अफेयर के फॉर्मेट में। करंट अफेयर का प्रश्न था और प्रश्न संख्या 365 थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की विवेचना कीजिए। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में ही आपका खनिज संसाधन भी आ जाता है। ठीक है, तो आप खनिज संसाधनों को केवल बताना था, एटलीस्ट आपको अगर ये प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। सारी चीज़ें पता होंगी, उसमें से आप खनिज वाला पोर्शन आपको लिखना था, उसी को एलैबोरेट करके बड़ा करके लिख देना था। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज़ें पेड ग्रुप में दी गई हैं। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके से प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका, भूमंडली ऊष्मन पर टिप्पणी कीजिए। तो यह था आपका फुल टेस्ट सीरीज 29 थी। ठीक है, 29 टेस्ट सीरीज थी फुल टेस्ट, उसमें 5वां नंबर प्रश्न था, देखिएगा, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे था। ठीक है, भूमंडली ऊष्मन पर, तो इसको देख लेते हैं यह क्वेश्चन कहाँ पर आया था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रश्न बनाया गया था, ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हेतु भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। अगर आपने इस प्रश्न को अच्छे से कर लिया होगा तो आप ग्लोबल वार्मिंग और भारत के कदम कौन कौन से उठाए गए हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दे सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जो भी टेस्ट सीरीज बनाई थी वो मैंने सोच समझ कर अपने हिसाब से बनाई थी कि जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वो हो जाने चाहिए, उतने कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, और उन्हीं में से बहुत से, जैसे YouTube पर 2 प्रश्न की ड्राफ्टिंग आती थी और पेड ग्रुप में 4 प्रश्न की आती थी। ठीक है, तो टोटल मिलाकर लगभग 650 प्रश्न थे। ठीक है, 650 प्रश्न थे, तो अब उसमें से ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं और टेस्ट सीरीज से फंसी हुई हैं। अगर आप दोनों को पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे तो आपको नो डाउट वहाँ पर लिखने में आसानी रही होगी, आपको काफ़ी मदद मिली होगी इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो,
वो है आपका 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। व्याख्या कीजिए। अब देखिए प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा एक शब्द शैली जो है उसने बदल दी है, परिवर्तित कर दी है। देखिए 200 वर्षों में ब्रिटिश शासन रहा, ठीक है, अंग्रेजों ने राज किया और भारत की एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही, ठीक है, जो हस्तशिल्प उद्योग हैं, कुटीरी उद्योग हैं, इसको नील की खेती और अन्य जो पाबंदियां थी उनके द्वारा उस अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न वही है, ध्यान रखिएगा, जो मेन भावार्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो अलग नहीं होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ आप लोग देखिए कि जैसे ये है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो, मतलब बस 200 वर्ष जोड़ दिया गया है, बस इतना ही अलग है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए आप लोग, परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग पतन में किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया, ठीक है। तो ये अपंग जो बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया, औपनिवेशिक जो लोग थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासन था, उसके कारण हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में गई और उसके प्रभाव क्या हुए ये भी लिखे हुए हैं। तो आप बिल्कुल ईजिली उस प्रश्न को, ऊपर वाले प्रश्न वही है, बस केवल शब्द शैली बदली है आयोग ने, ठीक है। तो आप ये प्रश्न को भी ईजिली लिख सकते थे अगर आपने जो भी मैंने दिया था उसको अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी तब, ठीक है। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न किस तरीके से आया है, द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका का विवेचना कीजिए। अब देखिए इसी को थोड़ा सा बदलकर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न वही है, ठीक है, एक ही प्रश्न को 10 तरीके से पूछा जा सकता है। प्रूफ के रूप में ये देखिए कि यह प्रश्न मैंने कराया था पेड ग्रुप में, ठीक है, GS फर्स्ट पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है और 200 शब्दों में लिखना था, ठीक है, वहाँ पर भी 200 शब्दों में किस सीमा तक जर्मनी को दो विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपने बता दिया, थोड़ा सा भूमिका जर्मनी की नीति क्या थी, और जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर आता है तो उसकी नीतियाँ किस तरीके से चलती हैं, तो इसमें आप सारी चीज़ों को समाहित करते हुए देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख सकते थे वहाँ पर आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब लाइन टू लाइन प्रश्न है ये, जरा से भी इनडायरेक्ट प्रश्न नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा अभी मैं जब इसका प्रूफ दिखाऊंगा तब आप लोगों को एहसास होगा, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यह आपका प्रश्न था, अब यह मैंने पेड ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये पहला ही प्रश्न है, आप लोग खोल लीजिएगा जो लोग भी पेड ग्रुप में हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा कराया गया है देखिएगा, उसी का मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न ये कराया गया है, फर्स्ट नंबर प्रश्न ये कराया गया है और आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से कि इस प्रश्न का अर्थ क्या है, कि जैसे स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब किस तरीके से जो भी चीज़ 1857 का विद्रोह था वो किस तरीके से एक ऐतिहासिक मोड़ पर चीज़ें दिखाई दी, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ क्यों रहा, किस कारण से रहा, ये सारी चीज़ें आपको इस उसमें लिखनी थी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदली गई है, आयोग ने केवल लैंग्वेज चेंज की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब अगला प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न है, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताना है, जैसे YouTube पर ही 157 नंबर प्रश्न मैंने कराया है और देखिए बस चीज़ें जो पूछी गई हैं वही है, ठीक है, लेकिन बस लैंग्वेज बदली हुई है, लैंग्वेज भी बदली नहीं हुई है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। ये देखिए, भारत में
महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल के साथ में क्या बताना था, महिलाओं पर जो वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, तो इसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव कौन कौन से हुए, उदाहरण भी देना है। और यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए सारी की सारी चीज़ें भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बताना, जैसे आपको सकारात्मक ही बताने हैं तो आप केवल उन्हीं को बतानी है, नकारात्मक मत बताइए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वैश्वीकरण के प्रभाव महिलाओं पर कौन कौन से हुए, तो इनको आप देख सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे चंद्रा कोचर है, इंदिरा नूई हैं, उच्च पदों पर भी गई हैं, लेकिन रूढ़िवादी सोचों में बदलाव भी नहीं आया, सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, तो ये क्या है, ये आपके प्रभाव, इन्हीं को बड़ा करके आपको लिखना था, ठीक है। एग्जाम्पल में दो चार एग्जाम्पल और दे सकते थे, जैसे खेल में साइना नेहवाल हैं और बाकी सारी लड़कियां हैं, महिलाएं जो हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे पदों पर जो कार्यरत हैं उनके बारे में आप बता सकते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न बने हैं, आयोग ने बनाए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब अगला प्रश्न कौन सा है, 16वां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब देखिए ये दो दो जगह है, टेस्ट सीरीज में भी मैंने इसको कराया है और पेड ग्रुप में जो क्वेश्चन है वो 53 है, ठीक है, 53वां नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज में देख लीजिए ये कहाँ पर था, आखिर प्रश्न क्या है, ये देखिए आपके सामने आ रहा है। तो मैंने ये टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिया था, 13वां नंबर प्रश्न था, ठीक है, और टेस्ट सीरीज कौन सी थी इसको जरा देख लीजिए, 32वीं, फुल टेस्ट 32 था, ठीक है, फुल टेस्ट 32 में बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें पूछी गई हैं, बस उसमें ज़्यादा पूछ ली गई हैं, इसमें दो एक ही चीज़ पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए जो 13वां नंबर प्रश्न है जिस पर टिक है, वैश्वीकरण का भारत की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब वहाँ पर प्रश्न क्या बना है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की जो सामाजिक प्रभाव हैं उनको केवल बता देना था। जब आप पूरी चीज़ों को, सारे डायमेंशन को क्लियर किए होते हैं, जब आपके तैयार होते हैं, तो वहाँ पर आप एक डायमेंशन ही बताना था, तो आप इजीली बता ले जाते, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न आया है ये, ठीक है, 20 में से ध्यान रखिएगा 20 में से 16 प्रश्न आए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए यह प्रश्न मैंने कराया था, ठीक है, इससे भी आप रिलेट करके लिख सकते थे कि जैसे यह प्रश्न अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक मर्म को किस सीमा तक प्रभावित किया है, तो इसकी कुछ चीज़ों को आप वहां पर डाल सकते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावों को आप वहां पर डाल सकते थे, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलकर आपकी बेहतर कर जाएंगी वहां पर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कराई हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे पेड ग्रुप था तो इसमें 357 नंबर प्रश्न जब मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करा रहा था तो उसमें मैंने ये चीज़ें कराई हैं, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के पार्ट में मैंने उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति को बाकायदा अच्छे से बताया है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं प्रश्न के फॉर्मेट में ही जो मैंने दिया है, आप देखिए अगर आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस हुई होगी तो आप इजीली कर ले जाएंगे। जैसे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन प्रयासों को की विवेचना कीजिए, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति भी है, ठीक है। तो ये आप बहुत सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उन्हें पर्यटन नीति पूछी तो दो तीन चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन चीज़ें वही पूछी गई हैं, बस एक लैंग्वेज का बदलाव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए यह प्रश्न है आपका 18वां नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी भूकंप सुनामी आपस में कैसे संबंधित है। अब देखिए तीनों प्रश्नों को, ज्वालामुखी भूकंप सुनामी, ये तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया है, और ज्वालामुखी के उद्गार के संभावित कारणों पर प्रकाश डालिए, पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, और ये बहुत बार मैंने कराया है। देखिए फुल टेस्ट सीरीज जो 23वीं टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 9-10 आप देखेंगे वही हैं, टेस्ट नंबर का मतलब ये हो गया कि पहले 10 क्वेश्चन की मैं टेस्ट सीरीज कराता था पेड ग्रुप में, ठीक है। तो कोई भी पेड ग्रुप का मेंबर उन फाइलों को देख सकता है, टेस्ट नंबर है आपका 29, क्वेश्चन संख्या है
आपका टेस्ट नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। और ये हुआ है कि एक क्वेश्चन और आया है फुल टेस्ट सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यूट्यूब पर एक प्रश्न भी मैंने दिया है इस पर, 125 नंबर प्रश्न। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रूफों को मैं दिखाऊंगा कि मैंने वो चीज़ें कराई हैं, प्रश्न के फॉर्मेट में भले ही हो, एटलीस्ट आपको वहाँ पर परेशानी नहीं हुई, आपकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ईमानदारी से अगर मेहनत नहीं करेंगे, ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो चीज़ें नहीं अच्छी होने वाली, ठीक है। बाकी मेरा प्रयास था, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करी, और अभी तक मैंने बताया कि आप लोगों को कि फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो नोट्स हैं अभी नहीं दिए जा पाए हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा था, इसकी वजह से था। लेकिन आपका कहीं से कोई घाटा नहीं हुआ है, हर तरीके को मैंने अपनी अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें प्रयास था मेरा मैंने किया है, ठीक है। और 20 में से 16 आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, देखिए ये टेस्ट सीरीज में मैंने दिए हैं क्वेश्चन, भूकंप के कारणों को समझाते हुए निपटने हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए, 125 शब्दों में लिखना है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारणों तथा ज्वालामुखी के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अब आप कितना भी करिए कुछ ना, आप ईजिली अगर ये दो प्रश्न को आपने अटैम्प्ट किया होगा तो वहाँ पर आप ईजिली लिख ले जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए एक और टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट आपका सेकंड है, उसमें 3 नंबर प्रश्न था आपका, ज्वालामुखी की क्रिया से आप क्या समझते हैं, ज्वालामुखी के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसमें ज्वालामुखी और तीनों, जैसे ज्वालामुखी, सुनामी और एक चीज़ और थी, ठीक है, तो तीनों में संबंध पूछा था, भूकंप, ठीक है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तीनों में आपका संबंध पूछा था, किस तरीके से तीनों रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी, ठीक। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे और वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराई हैं, उन चीज़ों को आप विद प्रूफ के साथ में देख भी सकते हैं। और ये देखिए ज्वालामुखी के ऊपर मैंने 125 नंबर प्रश्न को कराया भी था, जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न था और प्रश्न संख्या 125 थी, 200 शब्दों में लिखना था ज्वालामुखी के कारण और ज्वालामुखी क्या है, किस तरीके से चीज़ें कार्य करती हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए, जैसे जो अटलांटिक ओशन है तो उसके मतलब जो जल धाराएं हैं तो उनके नाम कुछ बताने देते हैं। और आपको क्या करना था कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जो धाराओं की उत्पत्ति के लिए, तो ये आपको बताना था इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न को भी मैंने फुल टेस्ट सीरीज 31 में क्वेश्चन नंबर 18 कराया हुआ है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में अगर सोच कर देखिए, अगर ये चीज़ें आपने टेस्ट सीरीज को पूरी ईमानदारी के साथ में जो जिस व्यक्ति ने भी दिया होगा उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो चीज़ें मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में कराई हैं, 32 फुल टेस्ट सीरीज हुई हैं और लगभग 10 प्रश्न की लगभग 22 टेस्ट हुए हैं और 5 प्रश्न के लगभग 10 से 15 प्रश्न हुए हैं, मतलब टेस्ट हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चली थी, ठीक है। और आगे भी हम लोग 2019 वाला भी करेंगे तो उसको अच्छे से करेंगे, और जैसे जो भी चीज़ें होंगी अब वो आगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे जीएस फर्स्ट पेपर का है ये, जीएस सेकंड पेपर का ही ऐसा है, ठीक है, और थर्ड पेपर का भी पेपर आ चुका है तो उसको भी मैं देख रहा था, उसमें भी बहुत अच्छा किया है हम लोगों ने, ठीक है, पीसीएस एकेडमी परिवार ने, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और जिस व्यक्ति ने भी पेड ग्रुप से लगभग 100-125 लोग इस बार का मेंस दे रहे हैं तो नो डाउट सभी को फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। अब जो लोग अगर रिवीजन करके नहीं जाएंगे, जो लोग अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगा के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। अब आपको समझना है, आपको देखना है, आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं और जानते भी हैं, ठीक है। ये देखिए यह प्रश्न मैंने कराया था, समुद्री धाराओं के उत्पन्न होने के कारण
क्या कारण है, ठीक है, कारण बताइए। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपने कारण बताया, अब यहाँ पर हिंद महासागर के उदाहरण सही समझाना था, लेकिन वहाँ पर क्या था, अटलांटिक ओशन का उदाहरण देना था, ठीक है। तो आपको पीटी में भी आपने अटलांटिक ओशन की जो करंट है वो उनके तो नाम तो आप लोगों ने याद ही किए होंगे, उनको बस अलग आगे से मेंशन कर देना था। जो मेन प्रश्न था वो समुद्री धाराओं के उत्पन्न होने के कारण बताने थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़रूरी था ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी भी मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े और सारी चीज़ें उन्होंने करी हमारे साथ में और अच्छे से मेहनत करी और उसका रिजल्ट भी सभी को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और जैसे ही आसाम को जैसे चौथा पेपर भी आ जाएगा तो सारे पेपरों का हम लोग ऐसे ही एनालिसिस करेंगे और लाइन टू लाइन जो भी प्रश्न फंसे हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्टली हम आपसे बात करेंगे उस पर, और प्रश्नों की प्रकृति के बारे में भी देखेंगे और आगे किस तरीके से चलना है, 2019 के लिए किस तरीके से चलना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। अगर आपको चीज़ें पता होती हैं, आपको पॉइंट्स पता होते हैं, तो आप वहाँ पर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिएगा। और आज हम लोगों ने जीएस के फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने देखे हैं और पीसीएस एकेडमी की तरफ से जो प्रयास किया गया है उसमें से 20 में से 16 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप मैंने प्रूफ के साथ में चीज़ें दिखाई हैं किस तरीके से, अब थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी गई है तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग कल मिलेंगे जीएस के सेकेंड पेपर के वीडियो को लेकर, ठीक है। जीएस का सेकेंड पेपर का वीडियो भी आएगा, थर्ड पेपर का भी आएगा और फोर्थ पेपर का भी आएगा, जितना भी कार्य हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों ने जीएस फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने देख लिया था कि कितने प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और आज हम लोग जीएस सेकेंड पेपर में कितने प्रश्न नोट्स और टेस्ट सीरीज से आए हैं। दोस्तों नोट्स का मतलब यह है कि जो भी मैंने यूट्यूब पर प्रश्न कराए थे, ठीक है, मैं प्रॉपर नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर नोट्स तो फर्स्ट और सेकंड पेपर के दिए ही नहीं गए हैं, अभी आपको अगले दो महीनों में धीरे धीरे करके जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उनको मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, 20 में से ध्यान रखिएगा 20 में से 12 प्रश्न सेकंड पेपर में आए हैं और आप लोग खुद देखेंगे इन सारी चीज़ों को प्रूफ के साथ में कि आखिर कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों को भी फ़ायदा मिले इसके लिए शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिले, ठीक है। एक चीज़ है दोस्तों, और दोस्तों जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें की गई हैं पीसीएस एकेडमी की तरफ से और जितना प्रयास था पूरी तरीके से सफल रहा है और ये आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ही है, ठीक है। जो भी व्यक्ति दोस्तों टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज से कितने प्रश्न फंस रहे हैं टेस्ट सीरीज से, और जो मैं यूट्यूब पर जो दो प्रश्न की ड्राफ्टिंग देता था या पेड ग्रुप में चार प्रश्न की ड्राफ्टिंग देता था, ठीक है, तो उन चीज़ों का कितना बड़ा महत्व है और कीवर्ड के माध्यम से जो सारी चीज़ें चलती हैं तो उनका क्या महत्व है, मैं सारी चीज़ें आप लोग रिजल्ट के माध्यम से आप लोग खुद देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों 2019 के ग्रुप के लिए, दोस्तों 2019 का ग्रुप जब मेंस स्टार्ट होगा, ठीक है, तो पीटी का एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म होगा तो उसके बाद में स्टार्ट होगा। और दोस्तों इस पीडीएफ के लिए, जैसे ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, तो इस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको प्रश्न में लगता है हाँ डाउट है नहीं होगा ना होगा, आप टेलीग्राम पर ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, ठीक है, पीसीएस एकेडमी सर्च करिए आप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और बैक डेट में जाकर आप
चीज़ों को देख सकते हैं, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो टेलीग्राम पर यह पीडीएफ भी आप लोगों को, जैसे जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आज जा रहा है, ठीक है, तो दोनों की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, और बाकी देखिए सभी सारी चीज़ों में आप खुद ही इतना समझदार हैं क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। जितने प्रश्न भी होंगे और जो भी होगा, पूरी ईमानदारी के साथ में, और सारी चीज़ें बस यही रहता है कि अपना कार्य मैं करता रहूं, जब आपको फ़ायदा होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ पेपर का पेज है। अब पहला प्रश्न मैंने अलग से काट कर दिखाया है आप लोगों को, कि जैसे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, इस इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। देखिए फुल टेस्ट सीरीज़ में, फुल टेस्ट जो हुआ था पाँचवा, उसमें क्वेश्चन नंबर है 10वां, ठीक है। दो जगह यह प्रश्न आया है, फुल टेस्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब इसको देखिए आप लोग, यह टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑर्गेनाइज कराई थी, ठीक है। ये देखिए फुल टेस्ट है पाँचवां, और इसमें जो प्रश्न है आपका, ये देखिए प्रश्न नंबर 10वां है। देखिए टेस्ट सीरीज़ का प्रश्न है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइए। तो ये देखिए बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए टेस्ट अगला है, ठीक है, इसमें भी देखिए यही प्रश्न मैंने दोबारा भी दिया है। अगर आप ईमानदारी से जो भी चीज़ें हैं ईमानदारी से दी जा रही थी उनको अगर आप करते हैं तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से जितना भी प्रयास होता है मैं करता हूँ, और सबसे अच्छी बात ये रही कि सही दिशा में गई हैं चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए दशा और दिशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये देखिए 14वां नंबर प्रश्न है, 14वीं टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट 14वें का, ठीक है। टोटल 33 टेस्ट हुए थे, फुल टेस्ट हुए थे, 10 प्रश्न की टेस्ट सीरीज चली थी और 5 प्रश्न की टेस्ट सीरीज चली थी। तो मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 14वां नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा निपटने के उपाय दीजिए। देख लीजिए आप लोग खुद समझदार हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेज मैंने इसीलिए, जो मोटी कॉपी बनी है टेस्ट सीरीज वाली, तो उसी से मैंने खींचा है, ठीक है। और बाकी देखिए जो भी चीज़ें आपको लोगों को लगता है, तो जो भी पेड ग्रुप में जो लोग हैं, तो ये पीडीएफ उनके पास भी होगी, ये चीज़ें उनके पास में भी हैं, तो आप उनसे बात करके, जो भी पेड ग्रुप में ज्वाइन किए थे उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला है उत्तर प्रदेश ग्रामीण, जो भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन कीजिए, ठीक है। अब देखिए यह दो जगह मैंने इस प्रश्न को कराया है, कि जैसे टेस्ट जो हुआ था 10 प्रश्न का, तो टेस्ट 23rd में, ठीक है, 23rd में 4th नंबर क्वेश्चन है, और पेड ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन कराया था 2nd नंबर प्रश्न। तो आप दोनों चीज़ों को, दोनों प्रूफ को देखिए आप लोग, ठीक है, देखिए आप लोग। तो ये देखिए 23वां नंबर टेस्ट है, ठीक है, 23वां नंबर टेस्ट है ये, और कुल 10 प्रश्न इसमें दिए जाते थे, 1.5 घंटे का समय दिया जाता था। इसमें देखिए स्वयं सहायता समूह किस प्रकार ग्रामीणों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, स्वयं सहायता समूह, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो किस प्रकार ग्रामीणों की आय या उनकी आजीविका को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरी जगह पर, यह जो मैंने बताया है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, तो उसमें मैंने यह ड्राफ्टिंग भी दी थी आप लोगों को, यह पेड ग्रुप में दी गई थी, ध्यान रखिएगा यह पेड ग्रुप में दी गई थी। क्वेश्चन कौन सा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में भागीदारी को प्रोन्नत करने में स्वावलंबन समूहों के प्रवेश को सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, परीक्षण कीजिए। तो यह देखिए स्वयं सहायता समूह, मैंने इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था क्या किस तरीके से चलता है और इसके कार्य क्या होते हैं, समस्याएं क्या होती हैं। तो मतलब कुल मिला के कोई अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा तो इस प्रश्न को आप इजीली कर ले जाएंगे,
ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप प्रश्न टेस्ट सीरीज में भी लेकर आया है मैंने, और जो मैं प्रश्न देता हूँ ठीक है, जो ड्राफ्टिंग देता हूँ, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। कीवर्ड के माध्यम से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इस पर वीडियो भी बना होगा, आप लोग देख सकते हैं ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छठवां नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीयों का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो यह कहां कहां पर प्रश्न मैंने कराया है, इस प्रश्न को डायरेक्टली कराया है। टेस्ट 26 में क्वेश्चन नंबर 6 है, और पेड ग्रुप का क्वेश्चन नंबर आपका 109वां प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या देख के आप लोग, जो लोग भी पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं, आप लोग बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं, वो चीज़ें आपके पास में भी पड़ी हुई हैं ठीक है। तो अब देख लेते हैं वो चीज़ें कहाँ पर हैं। ये देखिए आपका टेस्ट 26 है और क्वेश्चन नंबर 6 है ठीक है। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अप्रवासी भारतीय किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन वही प्रश्न है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं सारी चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं, आपका 7वां नंबर प्रश्न है, भारत की संघी व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघी व्यवस्था से भिन्न है। तो देखिए यह प्रश्न कई जगह मैंने टेस्ट सीरीज में दिया है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ कि दोनों जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करी, वही चीज़ें आप उसमें देखते हैं। कुछ चीज़ें होता है दोस्तों, मैं भी टेस्ट सीरीज को फॉर्म करता हूँ, अपने अनुसार बनाता हूँ उनको, बैठ कर सोच सोच कर कि हाँ कौन सा प्रश्न आ सकता है ठीक है, किस तरीके से आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं भी मिले हैं ठीक है, मैं ये भी मान रहा हूँ। तो फुल टेस्ट 20 में क्वेश्चन नंबर 3 है और फुल टेस्ट 28 में क्वेश्चन नंबर 11 है। दो बार इस प्रश्न को मैंने करवाया है, तो अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए आप लोग। ये देखिए ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 20 है, 20 में तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत और अमेरिका के संविधान की असमानताओं को समझाइए ठीक है। इसमें ओवरऑल चीज़ें जब आती हैं, आपने अगर इस प्रश्न को सही से प्रैक्टिस की होगी तो आपको लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी ठीक है। देख सकते हैं आप लोग टेस्ट सीरीज में यही है, ये देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर जो फुल टेस्ट 28 है ठीक है, और सेकंड नंबर प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान किस प्रकार, सॉरी ये गलत लग गया है, ये क्वेश्चन अलग था ठीक है, ये नहीं है, ये देखिए वो आ गया है, इसके नीचे लगा हुआ है, ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, वो अगले का है आंसर, वो एक ही पेज में है, मैंने टिक मार दिए थे तो इस वजह से। संसदीय तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के गुणों की विवेचना कीजिए, कि जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन जो है वो अमेरिका में है, तो दोनों में आपके गुणों और दोषों को बताना था, आपकी तुलना हो जाती ठीक है। वही चीज़ें हैं और वही प्रश्न है, बस पूछने का तरीका अलग है ठीक है। जो लोग भी अच्छे से इस बार मेंस दिए हैं, सारे लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे होंगे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब आपका 8वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अब देखिए या तो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर दे दीजिए ठीक है, कि क्या क्या अंतर है, कौन कौन सी शक्तियाँ लोकसभा के पास में हैं, कौन सी शक्तियाँ राज्यसभा के पास में हैं। तो ये अलग अलग मैं कई बार करवा चुका हूँ, इस पर टेस्ट सीरीज में 2 बार प्रश्न आया है, टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट 24 में क्वेश्चन संख्या 18 है और फुल टेस्ट 28 में क्वेश्चन संख्या 15 है ठीक है। YouTube पर फ्री में ये क्वेश्चन नंबर 7 कराया गया है ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लाभदायी है, तीन तीन तरीके से मैंने ये चीज़ों को कराया है ठीक है, जो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता था मैंने उन चीज़ों को कंडक्ट कराया है। अब देखिए यह आपका क्वेश्चन है, देखिए साफ साफ लफ्जों में दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए। अगर आप तुलना करते हैं तो कौन किसके पास में कितनी शक्तियां हैं आप इजीली बता सकते हैं, बस उसने ये पूछ लिया है कि लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से कितनी अलग हैं, बस इतना ही ठीक है, चीज़ें वही हैं ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, कहीं इनडायरेक्ट नहीं है ठीक है।
आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज़ मैंने कंडक्ट कराई है चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप इसी तरीके से मैंने चलाया था, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि देखिए सारी की सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि जब आपका मेंस अच्छा होगा तभी मेरा कुछ अच्छा होगा, ठीक है, जब आपको फ़ायदा होगा तभी मेरा कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये मैंने बताया है राज्यसभा की शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियाँ भी मैंने कराया है, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस पर वीडियो लेक्चर बना है, तो अगर आपको एक चीज़ें पता है दूसरी चीज़ें भी पता है तो आप उनकी तुलना इजीली कर सकते हैं, पॉइंट्स आपके पास में हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरा पेज है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने खींच कर दे दिया है, ठीक है। अब एक एक करके कट करके हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, कैग जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न को मैंने YouTube पर ही कराया है, YouTube पर ही 214 नंबर प्रश्न फ्री में पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री में सभी लोगों को मिला है, इस पर वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोग जाइएगा, टेलीग्राम पर जाइए आप लोग और उसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद बैक डेट में जाके इसी प्रश्न को देखिए, डिट्टो सेम टू सेम यही चीज़ मैंने वहाँ प्रश्न में दी है, ठीक है। और मैंने क्या चीज़ टेलीग्राम में दी है, सभी लोगों को फ्री वीडियो भी बनाया उस पर, वो यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 214 है, ठीक है। देखिए जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है 214, और इसमें देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका एवं शक्तियों का वर्णन करिए, उसकी स्थिति पूरी क्या है, किस तरीके से है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इजिली अगर आपके पास में सोच कर देखिए कि 8 से 10 पॉइंट मिलते हैं तो आप किसी भी उत्तर को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यह आया था वन बेल्ट वन रोड के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब देखिए वन बेल्ट वन रोड से संबंधित जो एक प्रश्न दिया था मैंने, तो वो टेस्ट सीरीज 15 में क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब देखिए आपके सामने यह टेस्ट सीरीज 15 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है। चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप इजीली उस प्रश्न को, संबंधों को भी आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस तरीके से भूमिका निभा रही है, किस तरीके से भारत को जो उसकी चुनौतियां हैं, किस तरीके से चुनौतियों को प्रस्तुत कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ इजीली लिख सकते थे। यही कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बता रहा हूँ टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यह 13वां नंबर प्रश्न है, धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है, यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने YouTube पर प्रश्न संख्या 158 करवाई है, टेस्ट नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 10 है, और फुल टेस्ट संख्या 16 में क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए तीन तीन जगह मैंने इन चीज़ों को करवाया है। अब किस तरीके से ये चीज़ें पूछी गई हैं, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आर्टिकल 370 जो है, धारा 370, तो इसको कश्मीर से हटा दिया गया। अब धारा 370 में जो चीज़ें हैं और यह किस प्रकार वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं तो उनको किस तरीके से प्रभावित करेगा, तो देखिए इसमें आपको क्या बता रहा था, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक, इन्हीं तीन बिंदुओं पर आपको बताना था। सांस्कृतिक आधार पर भी आप बता सकते हैं कौन कौन से चेंजेस आए जाएंगे, ठीक है। और ये इतना व्यवहारिक प्रश्न था, इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा जा सकता था, और जो भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यह टेस्ट 16 था और पेपर सेकंड का, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्वास कानून पर टिप्पणी लिखे, तो आपको जम्मू कश्मीर पुनर्वास कानून जो है उस पर टिप्पणी पूरे अच्छे से करनी थी, तो आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाता, ठीक है। और क्या है, 35A पर भी मैंने प्रश्न दिया है। अब देखिए एक और अच्छा प्रश्न मैंने दिया था 370 पर ही, कि क्या 370 को समाप्त किया जाना चाहिए, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, तो इस प्रश्न में आपकी सारी चीज़ें आ जाती, आखिर करना क्यों चाहिए,
अगर हटाया जाना चाहिए तो क्यों हटाया जाना चाहिए, तो सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती। ठीक है, तो इस प्रश्न के जो भी व्यक्ति इन दोनों प्रश्नों को अटेम्प्ट करके गया होगा तो वहाँ पर इजीली लिख ले जाता। ठीक है, प्रश्न वही है, पूछने के तरीके देखिए मैंने बदल दिए हैं, यही आयोग भी करता है। ठीक है, ये देखिए पूरा पिक्चर ली गई है इस कॉपी की, जो भी कॉपी है जो बनी रखी हुई है। ठीक है, इसी की PDF मैं बना बना कर आप लोगों को देता हूँ। अब ये देखिए, और हमारे जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 का महत्व समझाइए। तो अब इसमें देखिए मैंने पॉइंट दे दिए थे, बहुत सारे ढेर सारे पॉइंट्स दिए थे, इसके आधार पर आप इजीली वहाँ पर अगर आपने इस प्रश्न की प्रैक्टिस की होगी तो ज़रूर वहाँ पर लिख ले जाते, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आखिर 370 के कार्य क्या थे, और अगर हटा दिया जाता है तो क्या दिक्कतें आएंगी, उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यह नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य, कार्यों का उल्लेख करते हुए पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। तो अब देखिए, जो एक फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट टू लाइन के अनुसार आया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो फुल टेस्ट हुआ था 9, और क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है। ठीक है, टेस्ट 9 में क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है। ठीक है, तो दो दो जगह मैंने इस प्रश्न को दिया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति, अगर मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, कि अगर जैसे आपका सेकंड पार्ट अगर नहीं भी आता तो उसमें आप फर्स्ट पार्ट के आपके मार्क्स मिल जाते हैं। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति टेस्ट सीरीज़ को अगर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो बहुत अच्छा हुआ होगा। ये देखिए, मैंने फुल टेस्ट 9 में ये देखिए मैंने दिया था, नीति आयोग की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, यही प्रश्न है। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरी जगह भी मैंने दिया है कि नीति आयोग की संरचना पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, हर तरीके से वे बदला जा रहा है, तरीका बदला जा रहा है प्रश्न का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये टेस्ट सीरीज़ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और जो पेड ग्रुप चलता है उसमें मैंने दी हैं, सभी लोगों को दी हैं। अब जो भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार है और ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस करता है तो नो डाउट सिलेक्शन लेने में उसे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, यह जो पूरा का पूरा पेज मैंने खींच के दे दिया है। ठीक है, ये तीसरा पेज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हैं देखिए सामने आपके लगे हैं। अब इन्हीं को मैं एक एक कट करके एक एक प्रश्न बनाया है। जैसे देखिए, गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, गरीबी और भुखमरी पर मैंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, तो उसी से संबंधित मुद्दे थे आपके। ठीक है, टेस्ट सीरीज में मैंने कराया है यह प्रश्न को। ये देखिए, भारत में गरीबी उन्मूलन के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। पहले आपको समस्याएं बतानी थी, फिर उसके बाद उपाय बताने थे, तो इस तरीके से 200 शब्द आपके पूरे हो जाते। तो इसमें आपको गरीबी से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो मिल जाते। ठीक है, अब अगला कौन सा है, ये देखिए, भुखमरी पर मैंने गरीबी और भुखमरी और कुपोषण वर्तमान भारत की प्रमुख समस्याएं से निपटने के सरकारी प्रयासों को रेखांकित कीजिए। तो ये भी एक परिपूर्ण प्रश्न था, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा तो जो पिछला प्रश्न है वह आपका इजिली सॉल्व हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न है, बस दो प्रश्नों को जोड़ दिया है उसने, मैंने अलग अलग किया है, उसने जोड़ दिया है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला भी अच्छा वाला प्रश्न है, 16वां नंबर प्रश्न है, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस जो होता है उसकी विशेषताएं, लाभों का उल्लेख कीजिए, और इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर जो मैंने प्रश्न कराया है फ्री में है, टेलीग्राम पर इस प्रश्न को आप देख भी सकते हैं जाके, मैंने यूट्यूब पर इस प्रश्न को दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसको बैक डेट में जाके अगर आप देखेंगे तो जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद प्रूफ दिखाऊंगा वही प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, और वीडियो भी बना है इस पर, ध्यान रखिएगा वीडियो भी बना है। कौन से नंबर का प्रश्न है अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, फुल टेस्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 15 है, और फुल टेस्ट 16 में क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखिए किस तरीके से क्या दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, ये देखिए ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, ई गवर्नेंस से संबंधित, ई शासन से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने इस प्रश्न में समझाया है।
अगर कुछ चीज़ें छूटती भी हैं तो आपकी प्रश्न से हो जाएंगी। अब देखिए प्रश्न कौन सी टेस्ट सीरीज में आया है, ये देखिए ई गवर्नेंस से क्या अभिप्राय है, इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। और एक टेस्ट में मैंने दिया है ई गवर्नेंस से ही, ई गवर्नेंस की विशेषताओं को समझाइए तथा इसकी सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो ये परिपूर्ण प्रश्न था, इसमें आप सारी चीज़ों का उल्लेख कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रूफ है दोस्तों कि जो भी कार्य मेरी तरफ से दिया गया है अगर वो आप पूरी ईमानदारी से किए होंगे तो नो डाउट आपको इस बार 2018 के मेंस में इस बार सिलेक्शन, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है आपका सिलेक्शन, जरूर होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये आज का। ठीक है, मैंने बताया था ना कि 20 में से 12 प्रश्न, ध्यान रखिएगा 20 में से 12 प्रश्न जीएस सेकंड पेपर में आए हुए हैं, डायरेक्टली प्रश्न आए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा करनी है। ठीक है, जो समानता का अधिकार है तो उसको बताना है, इस पर मैंने प्रश्न भी दिया है। ठीक है, इस पर मैंने प्रश्न भी दिया है। तो ये देखिए ये है प्रश्न, फुल टेस्ट 28 है और टेस्ट संख्या जो क्वेश्चन नंबर है वो सेकंड है। चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान किस प्रकार समान अधिकार प्रदान करता है, समान अधिकार किस में प्रदान किया है, समानता का अधिकार किस में प्रदान किया गया है, जो आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उसमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप इस तरीके से अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी टेस्ट सीरीज की और क्वेश्चंस की तो आपकी सारी चीज़ें नो डाउट आप सोच कर देख सकते हैं कि 20 में से 12 प्रश्न डायरेक्टली, और ऐसा नहीं है कि बाकी के प्रश्नों पर आपने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया होगा, आप भी तो प्रयास कर रहे होंगे ना कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग रिव्यू करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए अब अगले वाले एग्ज़ाम की। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग GS थर्ड पेपर के जितने भी प्रश्न आए हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा और उत्साहवर्धन के लिए आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से करिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो PT का एग्ज़ाम है 2019 का तो वो आपका 15 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, अभी डेट यही मानकर चलिए, आयोग ने प्रस्तावित डेट रखी हुई है। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से करना है, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। अब कल संभवतः कल से ही हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, और संभवतः आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों जो आज का पेपर है वो थर्ड पेपर है जीएस का, जीएस के थर्ड पेपर में कितने प्रश्न आए हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। जो देखिए ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई भटकाने का, ना ही कोई ऐसी बात है। ठीक है, जो भी है जितना भी है मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि देखिए यह जो पेपर था ये काफ़ी डायनेमिक पेपर था। ठीक है, इकोनॉमी होती भी है, जैसे काफ़ी चीज़ें थर्ड पेपर में हैं और जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो आपकी डायनेमिक काफ़ी, मतलब जो अप्लाइड वर्जन होता है और जो करंट अफेयर्स में रहा है वो चीज़ें पूछी गई हैं, जीएस को जोड़ा है जाकर उसने करंट अफेयर्स से। ठीक है, और बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से था। ठीक है, उसके बावजूद भी 20 में से 8 प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पेपर था, पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो भी यह पेपर था देखिए बहुत अच्छे प्रश्न डाले थे उसने और सारी चीज़ें जो बनाई गई थी। ठीक है, वर्तमान में वो चीज़ें चल रही हैं तो इसलिए यह पेपर इस तरीके से बनाया गया था। ठीक है, और काफ़ी डायनेमिक पेपर था। ठीक है, इसके लिए जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी चीज़ें आई हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे जो होती हैं तो वो उतनी नहीं पूछी गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं।
अब हम लोग एक एक करके एक एक प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है, कि एक एक प्रश्नों के साथ में अब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहला ही प्रश्न है वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसको मैंने फुल टेस्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 था, आप लोग देख सकते हैं प्रूफ के साथ में। ये देखिए आपका है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, इसके उद्देश्य एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका प्रूफ आप लोग देखिए मेरे नोट्स आए, ये नोट्स की पूरी मैंने खींच कर भेजी है। ठीक है, तो ये देखिए आप सामने है प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बताइए तथा इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। लाइन टू लाइन टेस्ट सीरीज से प्रश्न बने हैं, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज मैं अपने आप से बनाता हूं और जो क्वेश्चन फॉर्म करता हूं मैं अपने आप से करता हूं, तो इस वजह से वो चीज़ें कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अब जैसे आप भी सोचते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें आएंगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप लोग खुद देख सकते हैं विद प्रूफ के साथ में, ऐसा नहीं है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप लोग, जैसे टेलीग्राम पर चैनल है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए पीसीएस एकेडमी का, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, जो लोग भी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज दे रहे थे उनके पास भी ये नोट्स होंगे, आप लोग देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसके महत्व को बताइए। तो ये फुल टेस्ट 13 मैंने कराया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज है फुल टेस्ट 13, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, भारत में साइबर सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम जो साइबर सुरक्षा के लिए किए गए हैं वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और टेस्ट सीरीज में मैंने उन सारी चीज़ों को करवाया है। अब ये देखिए अगला प्रश्न जो है, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने फुल टेस्ट 33 में क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, अब देखिए कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये है, आप कार्बन उत्सर्जन या आर्थिक विकास, पर्यावरण दोनों एक की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन पर्यावरण में अगर कोई चरण होता है तो कार्बन उत्सर्जन ही होता है। जब आप पर्यावरण की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन की बात आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगर आपने पर्यावरण पर लिखा है पर्यावरण और आर्थिक विकास तो आप इस प्रश्न को ईजिली कर ले जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रश्न था ये देखिए, विकास बनाम पर्यावरण पर एक संक्षिप्त निबंध लेख लिखिए, 200 शब्दों में लिखना था। ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, बस इसकी जगह पर कार्बन एमिशन कर दिया गया है और चीजें वही हैं, क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सुधारों की आवश्यकता है, समझवाइए। ठीक है, अब इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने कराई है। देखिए पूरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ही मैंने पूरा अच्छे से बताया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और इस पर मैंने प्रश्न भी दिया है, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये 5वां नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए लाइन टू लाइन प्रश्न आया है। हाँ, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को कि 20 में से केवल 8 प्रश्न ही फंसे हैं। ठीक है, बाकी जीएस के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में, ठीक है, मिनिमम 12 से ऊपर तो रह ही रहे हैं, और फोर्थ पेपर में तो बहुत ही अच्छा गया है स्कोर। फोर्थ पेपर में तो कोई भी क्वेश्चन, केस स्टडी को छोड़कर सारे के सारे प्रश्न, नोट्स और सारी चीज़ें, देखिए मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं टेस्ट सीरीज और जो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट करके दिए थे उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स का मतलब ये हो गया कि अब पूरा होलसेल जो नोट्स दे दिया गया उसमें तो फंसना ही फंसना है। ठीक है, मैं केवल एक सेलेक्टिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि उतने में से चीज़ें आई हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न है, ये देखिए एक पहला वाला प्रश्न था कि भारत में जो वैश्वीकरण उदारीकरण ने औद्योगिक नीति पर प्रभाव कौन से पड़े हैं।
ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रश्न मैंने सारी चीज़ें ये कराई हैं, प्रश्न दिए हैं आपको लिखने के लिए। औद्योगिक नीति पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न है। अब आप बताइए, पहला ही प्रश्न था वैश्वीकरण वाला, और इसमें देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिया हुआ है। अब ये देखिए, यह आपका प्रश्न है वैश्वीकरण युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ। अब इस प्रश्न को मैंने बहुत बार करवाया है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें नोट्स में आई इसलिए मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें हैं। और यह केंद्र राज्य जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। तो आपदा प्रबंधन पर मैंने एक नहीं बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, तो इसलिए अब कोई दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में कंप्लीट करा चुका हूं आपदा प्रबंधन और जो राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं करा चुका हूं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, और एक एक बार ने प्रश्न मैंने नहीं दिया, बहुत बार दिया है, ठीक है। अब देखिए, जो 20वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियाँ और समाधान पर टिप्पणी करिए, ठीक है। तो अब देखिए, यह प्रश्न भी बिल्कुल लाइन टू लाइन, डिट्टो लाइन टू लाइन आया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, यही चीज़ मैंने नोट्स में दी है, ठीक है, ये चीज़ें नोट्स में दी हैं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हेतु किए गए प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए मैंने इस तरीके से बताया था, पेड ग्रुप में सारी चीज़ें दी गई थी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में भी मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज जो थी, तो टेस्ट सीरीज में भी मैंने इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वो कौन सी थी, अभी पीछे गई होगी, ठीक है, उस प्रश्न में वो कानून व्यवस्था के ऊपर था, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैंने इस पर नोट्स तो दिए ही दिए हैं, प्रश्न भी करवाया है आपको, ठीक है। तो आप मतलब, हाँ मैं मानता हूँ इन चीज़ों को कि हाँ 20 में से 8 ही प्रश्न आए हैं, लेकिन देखिए जो प्रश्न आए हैं मैंने उनको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ देखिए, कोई भी व्यक्ति है, इंसान है, सीखते सीखते ही सीखता है, ठीक है। और आप जैसे, हम लोग क्या थे, हम लोग इस बार सिलेबस सारी चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप नहीं पता था कि कहाँ तक, किस स्तर तक देगा, लेकिन अब चीज़ें पता लग चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बार जो मेंस होगा उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। और जो पेपर है, पेपर, ये आपका पेपर रहा, पेपर को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कहीं से भी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है। इतने मैं क्वेश्चन करा दूँगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आपने अगर ईमानदारी से जो आंसर राइटिंग है वो अगर कर लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका जीएस थर्ड पेपर का पूरा विश्लेषण था, और फोर्थ पेपर के लिए देखिए जल्द ही, हो सकता है संभवतः कल उस पर वीडियो आ जाएगा। और पीटी के लिए हम लोग दोस्तों कल से बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, किस तरीके से क्या करना है, कितने टेस्ट सीरीज, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, वो चीज़ें कल से, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जीएस फोर पेपर का जितने भी प्रश्न आए हैं तो उनको आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों जो जीएस फोर्थ पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो 20 में से 17 प्रश्न आपके नोट्स और टेस्ट सीरीज और सारी चीज़ों से आए हैं, उनका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है, चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पीटी 2019 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट होने वाला है, संभवतः आज रात तक वीडियो आ जाएगा, नहीं तो कल सुबह आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है, चैनल पर पड़ जाएगा। और सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं पीटी वाले ग्रुप में लगभग 53-54 दिन जो भी हैं, 50 दिन, ठीक है, तो लगभग 45 से 50 दिनों की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें चलेंगी, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाएगी, ठीक है।
चलिए। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और दोस्तों पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ अच्छी है और आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रूफ के साथ में कि कितने प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ये आपका पेपर है, पेपर को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से आए हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये पेपर है आपका और केस स्टडी को छोड़कर लगभग सारे के सारे प्रश्न हमारे नोट्स से आए हैं और इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, मूल्य क्या है, ठीक है, इसके केंद्रीय तत्व को प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, इसको मैंने बहुत सी बार कराया है, टेस्ट सीरीज में भी कराया है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए मानवीय मूल्यों को उदाहरण सहित समझाइए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और ये देखिए मूल्य क्या होते हैं, मूल्य क्या है, विश्वास क्या है, मान्यताएं क्या हैं, तो ये सारे नीतिशास्त्र के भाग होते हैं और इनको मैंने अच्छी तरीके से आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया था। इसका लेक्चर भी वीडियो जो है वो आपका चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको दी गई थी, ठीक है। और जैसे चीज़ें हैं कि जो भी लोग, जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर चैनल है, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारी की सारी PDF, ये PDF आपको प्राप्त करनी हो तो वहीं से मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न है, आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को अलग अलग से काटा है तो इस वजह से। थर्ड नंबर प्रश्न है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने प्रश्न को जो दिया था फुल टेस्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कहाँ पर सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा, तो इसमें सारी चीज़ें, सत्यनिष्ठा का आधार क्या है, किस तरीके से, इसके जितने भी डायमेंशन थे वो मैंने बताए हैं, ये मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं इस पर। और उसके बाद में प्रश्न भी हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है, इसका विकास कैसे किया जाता है, ठीक है। संगठन व्यक्तिगत और संगठन स्तर पर कैसे विकसित की जाती है, ठीक है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है, सिविल सेवा में क्या भूमिका होती है, ठीक है। हर तरीके के प्रश्न आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं प्रूफ के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है, चौथा प्रश्न है, गांधी जी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। इसको मैंने टेस्ट, फुल टेस्ट हुआ था 12 और क्वेश्चन नंबर जो था 9 था, टेस्ट 14 में क्वेश्चन संख्या आपकी 19 थी, ठीक है। गांधी जी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण करना था, तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया है, गांधी जी के नैतिक दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये देखिए मैंने गांधी जी के नीति शास्त्र के बारे में कौन कौन सा नैतिक दर्शन है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका सामाजिक दर्शन को भी मैंने कराया था, उनकी शिक्षाएं क्या हैं समाज में, कौन कौन सी चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें किस तरीके से मैंने कराई थी। अब जो भी व्यक्ति है, देखिए मैंने अपना कार्य किया था और पहली बात ये कि दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि इस बार UPPCS मेंस का जो पेपर था वो चेंज हुआ था। सभी लोग, देखिए सभी लोग अपने अंदाजे पर ही सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें कराई और आप लोगों तक प्रोवाइड करी, ठीक है। और देखिए कोई भी कोचिंग वाला हो, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो, आप जिस तरीके से करते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, आपको दूसरों से कुछ किसी भी तरीके से तुलना करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। और इसीलिए मैं विद प्रूफ के साथ में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारे नोट्स में ये सारी चीज़ें, कहीं से कोई प्रश्न भी नहीं छूटा है, ठीक है। जितने लोग थे, जो लोग भी तैयारी करवा रहे थे, सभी लोगों, किसी को नहीं पता था प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से होगा। जैसे थर्ड पेपर में कुछ प्रश्न कम हो गए तो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ करंट से जोड़कर उसने दे दिया, तो उन चीज़ों को भी हम आगे अब बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे कि हाँ किसी भी तरीके से प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है,
पांचवा प्रश्न है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए, अंतरात्मा, सेवा भाव, अनुशासन। तो देखिए ये दोनों मतलब तीनों की तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया है और फुल टेस्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 19 है, देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है, इसका ये छूट गया है दोस्तों, इसका मैंने वो बनाना अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इस पर सारी चीज़ें अंतरात्मा और सेवा भाव, अनुशासन, इन सारी चीज़ों पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, अभी आपको प्रूफ मिलेगा इसका। एक्चुअली मैं जब मैं अरेंजमेंट कर रहा था तो उसी में छूट गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा पर आधारित होती है, इस संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्न मैंने कई बनाए हैं, एक सिविल सेवक के संदर्भ में सहिष्णुता के क्या फायदे हो सकते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, हर एक तरीके से मैंने प्रश्न दिए हैं आप लोगों को। अब जैसे देखिए अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए, तो यह आपका फुल टेस्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 5 है और फुल टेस्ट 30 में क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप इन चीज़ों को देख सकते हैं आराम से, जो भी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हुए थे तो पीडीएफ में आप जाकर देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पर। अब देख सकते हैं इसमें अभिवृत्ति से क्या आशय है, ये देखिए लिखा हुआ है, इसके प्रकारों का, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ठीक है, अभी एक प्रश्न आएगा कुछ देर के बाद में कि सत्यनिष्ठा का विकास संगठन एवं व्यावसायिक स्तर पर कैसे विकसित किया जा सकता है, ये भी है। भावनात्मक क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार होता है, नीति शास्त्र और इसके भागों को स्पष्ट कीजिए, निधि संबंधों में नीति शास्त्र की उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। मतलब सारे टाइप से मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को कराई थी। आगे देखिए अभिवृत्ति, जैसे कहीं पर अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, अभिव्यक्ति मूल्य विश्वास को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो देखिए अलग चीज़ें बिल्कुल हैं। ठीक है, अनुनय विनय सामाजिक प्रभावों के बीच में क्या अंतर होता है, लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम का उल्लेख कीजिए, तो ये प्रश्न भी इस बार आया है, पूछा गया है। तो ये टेस्ट सीरीज में आप खुद देख सकते हैं कि एक ही टेस्ट में मैंने कितने प्रश्न आए हैं पेपर में। ठीक है, चलिए अब ये देखिए अलग अलग, अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा था प्रूफ, इसमें देखिए ये प्रश्न में ही दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, अभिवृत्ति विश्वास मूल्य, तो ये दो तीन चीज़ें इसी में आपकी मिल जाती हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए और भी प्रश्न है, जैसे फुल टेस्ट 18 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फुल टेस्ट 30 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें यही प्रश्न है, अभिवृत्ति मूल्य विश्वास को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, और आगे देखते हैं आपके इसमें जो है, जैसे अभिवृत्ति से क्या आशय है, इसमें एक प्रश्न और ये पूछा गया था। ठीक है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नवा नंबर प्रश्न है, प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है, व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न आया था आपका। तो यह फुल टेस्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं प्रूफ के साथ में, ये चीज़ मैंने कराई थी, सिविल सेवा में समर्पण भाव क्यों आवश्यक है, इसकी स्थापना है, उत्पन्न चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप साफ साफ सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं और प्रूफ के साथ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितने कितने प्रश्न आए हैं। और इस बार जो प्रश्न आए हैं वो 20 में से 17 प्रश्न मेरे नोट्स से आए हैं, क्योंकि जीएस का फोर्थ पेपर मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर मैंने करवाया था, बहुत सारी टेस्ट सीरीज करवाई थी और देखिए समय कम था इसलिए उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया था, लेकिन तब भी इतना कम होने के बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें दी थी आप लोगों को और 20 में से 17 प्रश्न इस बार क्वेश्चन जो आए वो आपके नोट से आए हैं और उनको आप लोगों के पास में जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे तो वो लोग देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, आपके पास भी नोट्स पड़े होंगे। अब देखिए यह है नीति शास्त्र और नैतिकता में विभेद कीजिए, नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को भी देख सकते हैं आप लोग, इसमें टेस्ट नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, नीति शास्त्र और नैतिकता, सॉरी नैतिकता और नीति शास्त्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए साफ साफ लफ्जों में बिल्कुल वही प्रश्न छपा हुआ है जो क्वेश्चन पेपर में आया है, आप देख सकते हैं चीज़ों को। गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं वर्तमान समाज में कहां तक प्रासंगिक हैं, ये चीज़ें भी पूछी गई हैं, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। जैसे नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध को मैंने इस तरीके से नोट्स के माध्यम से, कीवर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताया था, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, अलग से प्रश्न भी दिए थे, तो इनको भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और देख सकते हैं नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, ये प्रश्न में पूछा भी गया है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप सारे के सारे तत्वों को बता सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने याद किया होगा जो भी मैंने नोट्स दिए थे, तो आपको कोई भी उत्तर लिखने में किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। कांट का नीति शास्त्री आकारवाद एवं कठोरतावाद है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व मूल्य जो सिद्धांत है उसका महत्व का मूल्यांकन करना था, ठीक है। तो कांट का जो नीतिशास्त्रीय सिद्धांत था उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी दिया है, 16वां नंबर प्रश्न था ये आपका, ठीक है। कौन सी टेस्ट सीरीज में दिया था, ये फुल टेस्ट था 18, क्वेश्चन नंबर 16 था। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कांट के नीतिशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं आपके सामने। कांट का नीतिशास्त्रीय सिद्धांत को भी मैंने नोट्स के माध्यम से भी बताया था, ये आप प्रूफ है आप लोगों के सामने और इसको ईजिली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोक सेवकों द्वारा सामना की जा रही नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए, क्या अंतरात्मा उसके समाधान में सहायक होगी, विवेचना कीजिए। तो अब देखिए दो क्वेश्चन को एक एक करके उसने टाइप बना दिया था, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने फुल टेस्ट 22 में क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 सेकंड था, ठीक है। टेस्ट 27 में क्वेश्चन नंबर 10 था और टेस्ट 29 में क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो देखिए तीन तीन जगह ये टेस्ट सीरीज में ये चीज़ें आई हुई हैं, आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ से क्या तात्पर्य है, प्रशासन में इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए कि प्रशासन में अगर कोई नैतिक दुविधा आती है तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज़ क्या काम करती है। तो ये पहले ही प्रश्न में बिल्कुल प्रूफ सहित आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर का लाइन टू लाइन आप क्वेश्चन उत्तर लिख सकते थे इसी प्रश्न में, ठीक है। और भी कई बार मैंने पूछा है, देख सकते हैं सिविल सेवा में नैतिक दुविधाएं प्रायः देखने को मिलती हैं, इन दुविधाओं से निपटने के उपाय सुझाइए, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से मैंने क्या क्या किया है, ये देखिए तीसरी बार है, तीसरा टेस्ट है। अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, सिविल सेवा में किस प्रकार निर्णय लेने में भूमिका निभाती है, तो इस तरीके से आप लोग खुद देख सकते हैं प्रूफ के साथ में भी, ठीक है। अगला क्या है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या हैं, उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो भ्रष्टाचार से संबंधित ये चीज़ें थी, ये देख सकते हैं भ्रष्टाचार के विविध आयामों को बताते हुए भ्रष्टाचार निपटने के उपाय बताइए, आप प्रूफ के साथ में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, जनसमूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया था जो अनुनय है, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया था, जो एक प्रभावी पर्सुएशन जो होता है, ठीक है, तो इसको मैंने नोट्स में कराया था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को, इनके सामाजिक परिणामों को भी देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने नोट्स दिए थे आप लोगों को, ठीक है। अब अगला क्या है, 17वां नंबर प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धि तत्वता एक सैद्धांतिक संप्रत्यय नहीं है किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा। देखिए इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना क्या था, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा मतलब भावनात्मक बुद्धि क्या है, इसके आयाम बताइए। देखिए सिंपल प्रश्न, लेकिन उस स्टेटमेंट के आलोक में पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसको मैंने नोट्स के माध्यम से भी कराया है, भावनात्मक बोध क्षमता क्या होती है, ये देखिए उदाहरण सहित बताइए, भावनात्मक साक्षरता लोक जीवन में किस प्रकार हो मतलब विकसित हो सकती है,
लोक प्रशासन में भावना प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए, हर तरीके से मैंने हर डायमेंशन में प्रश्न को बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 19वां नंबर प्रश्न है, अभिवृत्तियाँ हमारे अनुभवों का परिणाम होती हैं, इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण। देखिए, जो अभिवृत्ति निर्माण है उसके लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करनी है और उनका मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो अब देख, आप सोच कर देखिए कि अभिवृत्ति निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और उन्हीं का मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। तो अब इसके लिए देखते हैं आगे क्या है, अभिवृत्ति निर्माण देखिए किस तरीके से क्या होता है, अभिवृत्ति परिवर्तन ये भी आपको मिलेगा, फिर अनुनय परसुएशन की प्रक्रिया जो है, और लास्ट में जो है वो है आपका प्रश्न, कि जैसे देखिए एक प्रश्न जो था इसमें देखिए गैर तरफदारी जो है, गैर तरफदारी से आप क्या समझते हैं, यह सेवा भाव में किस प्रकार मतलब महत्वपूर्ण है, और परीक्षण कीजिए सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता क्यों आवश्यक है, एक प्रश्न में आया था लास्ट में, शायद 20वां नंबर प्रश्न है जिसमें 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, सत्यनिष्ठा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, उन्हीं पर मैंने एक एक प्रश्न बनाया हुआ है, यह फुल टेस्ट 14 क्वेश्चन नंबर 10 है, सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता क्यों आवश्यक है विश्लेषण कीजिए, ये चीज़ें मैंने टेस्ट में दी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर वहाँ पर छूटा हुआ था, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। सेकंड नंबर प्रश्न है, सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नैतिक सलाहकारों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये फुल टेस्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 7 था, आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए दोनों जगह निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र देख सकते हैं, सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र और जो आपका निजी संबंध है उनमें नीतिशास्त्र, तो दोनों की दोनों चीज़ों को बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये आपके टोटल जो थे वो 17 प्रश्न थे 20 में से, ठीक है। ये PCS एकेडमी की तरफ से छोटा प्रयास था आज की डेट में, ये इसके चारों पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अब जो है, अब हम लोग PT 2019 के लिए WhatsApp ग्रुप पर बात करेंगे, संभवतः आज ही रात तक या कल सुबह आपका वीडियो आ जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा, और तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए, किस तरीके से नहीं होगी, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है और अब तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर करनी होगी आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।